मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको किस प्रकार अनसीन पैसेज हल करें, आप नोट मेकिंग कैसे करें, इसकी वीडियो दिए हुए हैं, जिनको देख करके आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और टेक्सटुअल पार्ट में हमने स्टार्ट किया था फ्लेमिंगो में सेकेंड लेसन, जो था आपका द लॉस्ट स्प्रिंग। इसका हम पार्ट वन कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट टू। फ्लेमिंगो ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसको आप इस लेसन को समझने के पहले टेक्स्ट बुक निकाल लें और हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अर्थात छीने हुए बचपन की कहानियाँ। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि साहेब नाम का एक लड़का था जो ढाका वाले क्षेत्र से आता है और वो कचरे बीनते हैं। उन लोग बच्चों की जो टोली है वो क्या बीनती है, कचरा बीनने का काम करती है। उसी समय वहाँ जो लेखिका रहती है अनीस जंग, उन बच्चों से बहुत फैमिलियर हो जाती है और उनसे बातें करती रहती है। तो एक क्या बात करती है उस समय, वो जूतों के बारे में चर्चा चलती रहती है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। माई एक्वेंटिस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ डेली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड tarpaulin, devoid of seaways, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here. अब यहाँ पर लेखिका बोलती है कि मुझे मेरा जो परिचय हो गया था किनसे, barefoot यानी नंगे पैरों वाले लोगों से, क्योंकि वो बच्चों के पैरों में जूते नहीं रहते हैं, क्योंकि इतनी गरीबी भी रहती है, तो ऐसे लोगों को कहाँ पर चली जाती है, सीमापुरी इलाके में। ये जो सीमापुरी इलाका है ये दिल्ली से, दिल्ली का उपनगर है जो कि दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली से बिल्कुल लाक्षणिक रूप से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो एक सुव्यवस्थित अच्छे शहर का नाम है, राजधानी का नाम है, लेकिन वहाँ पर सीमापुरी में दिल्ली की जैसे बसाहट के कोई लक्षण नज़र नहीं आते। तो वो कहती है कि ऐसे लोगों को मैं सीमापुरी इलाके में ज़्यादातर देखती हूँ जो रहते तो दिल्ली में है मगर दिल्ली जैसे नहीं है। वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं, ये सब आए हैं बांग्लादेश से 1971, यानी बांग्लादेश से ये शरणार्थी के रूप में 1971 में आए। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का जो परिवार है उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी एक जंगली इलाका है लेकिन अब वो बिल्कुल खाली नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिट्टी के बने हुए टीन से ढकी हुई छतों और तारपलिन से जिसकी दीवारें बनी हुई हों, ऐसी जगह पर उन लोग रहते थे, ऐसे घरों में उन लोग रहते थे जहाँ पर ना तो कोई सीवर सिस्टम की व्यवस्था थी, ना तो पानी बहने नाली नाल, तो वहाँ सड़कें थी, ना तो वहाँ नालियाँ थी, ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था थी, यानी हर अव्यवस्थाओं के बीच ये बच्चे और उनका परिवार रहा करते थे। और कितने लोग थे ये लोग, 10,000 परिवार जो हैं वहाँ पर रैग पिकर यानी कचरा बीनने वालों के परिवार वहाँ रहते थे सीमापुरी इलाके में। They lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees. When I ask him why they left their beautiful land of green fields and rivers, wherever they find food they pitch there. अब यहाँ पर लेखिका बोलती है कि वो सब यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे, 30 सालों से यहाँ पर रह रहे थे बिना किसी पहचान के, बिना किसी अनुमति के, लेकिन उनके पास क्या था, राशन कार्ड था। राशन कार्ड किस लिए मिल गया, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में एडिट था। तो मतलब यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी लेकिन उनको वोटर जरूर बना दिया गया था। और जो भोजन था उनके लिए ज़्यादा जरूरी था,
बिना किसी पहचान के, मतलब उन्हें पहचान बनाने के लिए संघर्ष नहीं किया, लेकिन भोजन के लिए उनकी सबसे पहली प्राथमिकता। बिल्कुल सरल बात है, यदि बहुत गरीबी में कोई इंसान रहेगा तो सबसे पहली प्राथमिकता उसके लिए भोजन ही रहेगी। तो वो उनके उनको राशन कार्ड बन गया था ताकि वो खाना उससे ले सकें। बहुत ही मुश्किल कंडीशन में उन लोग वहाँ पर जीते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि भूखे पेट भी उन लोग सोया करते थे। उनके पास कोई ढंग के बिस्तर बिछोने नहीं होते थे और पूरे दिन भर में वो थोड़ा बहुत ही कमा पाते थे। लेखिका उस समय एक महिलाओं के ग्रुप से पूछती है, वो महिलाओं का ग्रुप कैसा था, जिनकी साड़ियाँ जैसी थी वो छीनी छीनी थी, कटी फटी थी, मतलब बहुत ही पुराना, बिल्कुल कहना चाहिए रिजेक्ट करने लायक हो गई थी। ऐसी साड़ियों में उन महिलाओं को देख के वो पूछती है लेखिका उनसे कि तुम लोग क्यों अपनी सुंदर धरती और सुंदर नदियों को छोड़ करके यहाँ पर आए हो। उसका कारण क्या था कि वो यहाँ पर भोजन की तलाश में आए हैं। ये वो बच्चे हैं जो रैग पिकर्स हैं, जो वहाँ पर दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में जाकर के कचरा बीनते हैं। टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, मतलब जो टेंट बना के उन लोग रहते हैं वो उनके क्या हो गए, घर को प्रतिस्थापित कर दिया उनने, और बच्चे जो थे वो उसी में बड़े हो रहे थे और वो क्या कर रहे थे, पार्टनर्स इन सर्वाइवल, माँ बाप के साथ सहभागी बन रहे थे उस जीवन, उस संघर्ष में, उस जीने के संघर्ष में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और कैसा सर्वाइवल, कैसा संघर्ष, कि सीमापुरी अब किसका नाम हो गया था, सीमापुरी इलाका मतलब कचरे बीनने वालों का इलाका हो चुका था। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और कुछ दिनों बाद यह एक ललित कला टाइप का हो गया, ये कचरा बीनने का जो उद्योग है वो एक ललित कला टाइप का हो गया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कचरे से सोना निकालना, अब कचरा उनके लिए सोना बन चुका था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूप ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूप, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। यहाँ पर कितनी परेशानियाँ थी, इसके बाद भी कचरा जो था वो उनके लिए सोने के समान था। क्यों था? क्योंकि कचरे को बेच करके उसमें से वो क्या प्राप्त करते थे, पैसा प्राप्त करते थे। उनको डेली रोटियाँ मिल जाती थी खाने में, कम से कम उनके ऊपर एक सिर पर एक छत रहती थी, भले ही वो छत बारिश के पानी में टपकती क्यों ना हो, मगर एक बच्चे के लिए ये सब बहुत ज़्यादा था। मतलब इस प्रकार की गरीबी में उन लोग रह रहे थे। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for a children, garbage has a meaning different from it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a mean of survival. अब बोलता है साहेब, बोलता है मुझे कभी कभी एक रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो मुझे 10 रुपये भी मिल जाते हैं, साहेब बोलता है। और जब ये ऐसा बोलता है साहेब लेखिका से, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए तो ये सब कर रहा था। तब लेखिका बोलती है कि अच्छा, अगर तुम्हें वहाँ चांदी का सिक्का मिले तो तुम क्या ये सब कूड़ा बीनना, ये सब करना छोड़ दोगे? नहीं, वो उसको बीनना नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें आशाएं जुड़ी हुई हैं, उनको मालूम है कि हमको रोज़ इसी से ही हमारे जीविका का साधन चलना है। ये बच्चे जो थे वो अपने माता पिता के साथ देते थे। बच्चों के लिए पैसा मिलना, कूड़ा बीनना ही उनके लिए बहुत सब कुछ हो गया था। ये बच्चों के लिए एक वंडर था, लेकिन माँ बाप के लिए एक सर्वाइवल था। नेक्स्ट देखें बच्चों। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in a white playing tennis. अब एक दिन सर्दी की सुबह उसने देखा कि साहिब कहाँ खड़ा था, एक जहाँ फेंस्ड गेट, जहाँ पर क्या कटीले तार लगे रहते हैं ना, फेंसिंग बनी रहती है, वहाँ पर एक क्लब के बाहर बच्चा खड़ा हुआ था साहिब, और वो किसको देख रहा था, दो सफ़ेद पोशाकों में टेनिस खेलते हुए दो व्यक्तियों को देख रहा था, मतलब वो टेनिस खेलना देख रहा था वहाँ पर। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। अब वो क्यों बोलता, तो लेखिका भी क्या करती थी, टेनिस खेलना को देखना पसंद करती थी। उसने साहब से पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो साहब ने बताया कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ, जब सब चले जाएंगे
तब ये जो गेट कीपर है ये मुझको अंदर आने देता है और मैं इसके अंदर आके झूला झूलता हूँ। मतलब बच्चे छोटी छोटी खुशियों के लिए कितना तरसते हैं, इसका बहुत सटीक वर्णन लेखिका ने अपने इसमें किया है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट। साहेब ने भी उस दिन क्या पहने हुए थे, टेनिस शूज पहने हुए थे जो कि उसमें बहुत अजीब वो भद्दे लग रहे थे उसके भद्दे रंग की शर्ट और शॉर्ट के ऊपर। समवन गेव इट टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फर्स्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बोदर हिम फॉर वन हु has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. अब क्या बोलती है कि साहिब को उसने टेनिस शूज पहन के देखा तो जो कि उसकी भद्दे रंग की जो शर्ट थी वो शर्ट के ऊपर बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उसने क्या बोला, जैसे ही लेखिका ने देखा तो उसने कहा ये मुझे किसी ने दिए हैं। मतलब उसने क्या दी, अपनी सफाई दी कि उसको ये टेनिस शूज़ कहाँ से मिले। लेखिका तुरंत समझ गई कि ये किसी अमीर बच्चे के होंगे जिसने इसको पहनने से इसलिए मना कर दिया होगा कि उसको शू में एक होल या एक छेद हो गया है। लेकिन जो नंगे पांव घूमता है, जो इतनी गरीबियों में रहता है, उसके लिए तो ऐसे जूते मिलना भी एक स्वप्न की तरह होते हैं। लेकिन हाँ, साहिब जिस खेल को खेलता देख रहा है वो खेल शायद उसके पहुँच के बहुत बाहर। आगे देखें, दिस मॉर्निंग साहेब हिज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज की सुबह साहेब उसको कहाँ मिला, मिल्क बूथ के पास मिला। लेखिका साहेब के प्रतिदिन का बता रही है यहाँ पर, तो आज के दिन क्या बताया उसने, अगले सुबह साहेब उसको मिल्क बूथ के पास मिला। इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो साहिब जैसे मिला लेखिका को तो उसने बोला अरे अरे मैंने तो एक चाय के स्टॉल में काम करना चालू कर दिया, क्योंकि साहिब के हाथ में क्या था, एक स्टील का कनस्तर था। आई एम पेड 800 rupees एंड ऑल माई मील्स डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। उसने कहा मुझे वहाँ पर काम करने के कितने मिलते हैं, 800 rupees महीने मिलते हैं, ऑल माई मील्स और मुझे दिन भर का खाना मिलता है। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि जितनी निश्चिंतता से वो कचरे बीनने का काम कर रहा था उतनी निश्चिंतता उसके फेस पर अब नहीं रही। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू लाइटली सो लाइटली। ये स्टील का जो कनस्तर है ये ज़्यादा भारी लग रहा था बजाय किसके, कि वो कचरा बीनने वाले प्लास्टिक बैग के। तब साहेब की मनोदशा का वर्णन यहाँ, तो यहाँ पर लेखिका ने क्या बताया कि कचरा बीनने वाले परिवारों की स्थिति, वो किस स्थिति में रहते हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकताएं रहती हैं, हम जो जिस हिसाब से जीवन शैली जीते हैं और उनकी जीवन शैली में कितना अंतर रहता है। और वो साहेब नाम के लड़के के माध्यम से वो ये बताती हैं कि शायद इसको फ्री होकर निश्चिंत होकर कचरे बीनने वाला बैग लटकाकर घूमना ज़्यादा अच्छा लग रहा था बजाय इसके कि वो एक टी स्टॉल पर नौकरी करे। तो बच्चों ये अनीस जैन जो लेखिका हैं उनने एक पार्ट में एक छोटे बचपन जो छीना हुआ बचपन उसका एक पार्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे।